आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज गणेश चतुर्थी के बारे में बात करने जा रही है। एक कहते हैं ना, जो चीज़ आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप ये कर लेती हो, मेरा पक्का वादा है, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना वो कहते ना, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दुर्भाग्य पीछे कहते ना पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। चाहे जो मर्जी कर्ज सर पर चढ़े जा रहे हैं, शत्रु कहते ना पीछा नहीं छोड़ पा रहे, कहीं ना कहीं हालात नहीं बदल रहे। मैं कहती जो मर्जी आज एक ही चीज़ बताने जा रही हूं। कहती है ना, अभी भी परसों गणेश चतुर्थी है, अभी भी हमारे पास टाइम है, जितनी चीजें तैयारियां करना चाहते हो कर लो। आरिका मैम ने बहुत जबरदस्ती वीडियो बनाई है, आरिका शाइना जंतरमन हीलिंग पे, वो मैं पिन कर दूंगी। और एक फरसे वाला जो उपाय है, मैं कहती हूं उसको छोड़ना नहीं है। अगर वो जो कहते ना वो वाला उपाय कर गया, उसका बेड़ा पार होके रहेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, मैं चाहती हूं, सच्ची कह रही हूं, पिछले साल भी बताया था, पिछले के पिछले साल भी बताया था ये वाली चीज़। जिन्होंने ये चीज़ करी है, कहते हैं ना उनकी चाहे जैसी भी पत्री हो, कई बार कहते हैं ना माँ दशा नेगेटिव, अंतर दशा नेगेटिव, प्रति अंतर दशा नेगेटिव, क्या करोगे। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मेहनत करे जा रहे हो लेकिन कहीं पर कोई रोशनी नहीं दिख रही कि कहीं से कुछ चीज़ें बदल भी सकती है कि नहीं सकती। घर पे कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां पीछा नहीं छोड़ी, एक के बाद जितना पैसा था वो सारा बीमारियों पे जा रहा है, क्या करोगे। आप समझे, एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि आप एक उस पे हो, एज पे के आगे थोड़ा आगे सिर्फ खाई है, जिसमें सिर्फ ढकेले जाओगे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और अगर ये स्थिति आ गया, वाकई कह के चल रही हूँ, कहती है ना जिस हिसाब से गणपति जी मैं बताने जा रही हूँ, अपने हाथ से बनाकर उनको कहते हैं ना स्थापित करो इन दिनों में। और वो बनाओगे कैसे, अब बताती हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं। आपने क्या करना है, मिट्टी होती है, मिट्टी बहुत बढ़िया बात होगी। अगर वो कहते हैं ना खेत की मिट्टी अगर मिल पाए, अगर नहीं मिल पा रही कोई बात नहीं, कहीं बहुत दूर दूर रहते कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी अपना साफ सुथरी मिट्टी जो होती है, मिट्टी से बनाओगे, उसके अंदर 7 अनाज डालोगे, वो जो मट्ठा होता है ना मट्ठा, उससे गूंदोगे, आटा डालोगे। 7 अनाज में कोई भी कर सकते हो, ज्वारी हो गई, जौ हो गई, दालें अलग अलग हो गई, चावल, ये सारा 7 अनाज है, कोई भी 7 अनाज ले लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। मट्ठे से अगर मट्ठा नहीं समझ आता, दही डाल दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। इससे आपने बनाने हैं अपने गणपति जी। इसके अंदर हल्दी ज़रूर डालना, अगर केसर अवेलेबल है तो केसर आपने ज़रूर डालना है। इससे पिरोगे, आजकल तो वैसे भी आप कहती है ना, कई लोगों को लगता है कि वो सुंदर नहीं दिखेंगे। अरे यार, जो आपने अपने मन से बना दिया वो तो बहुत ही सुंदर है, उसमें क्या ऐसी बड़ी बात है। पिछले साल मेरा वो फ़ोन क्रैश हो गया, लोगों ने फोटोएं भेजी थी, दिल खुश हो गया। कहते हैं ना अगर राहु केतु का भी असर बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना इतनी ज़्यादा भटकनी लग रही है। कई बार मैंने हमेशा एक बात बताई है, कई बार कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, जैसे सूर्य शनि का कंजंक्शन हो गया, वो जिंदगी को कलंकित बनाते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, या तो लोग आपसे कटते चले जाएंगे या आप लोगों से कटते चले जाओगे। पहले घर में राहु आ गया, आप समझे, 7वें घर में केतु, या वाइस वर्सा, जो भी शुक्र राहु का जो कंजंक्शन है, वो कहते हैं ना मैरिड लाइफ का धुआं निकालता है, पैसों का धुआं निकालता है, हेल्थ का धुआं निकालता है भैया। तो फिर क्या करोगे, ये आपने गणपति जी तैयार कर दिए है कि नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। वो जो गाय का उपला होता है, गाय के उपले को जलाकर उसकी जो राख होगी उसको छानकर उसका लेप लगा दो, उसका लेप लगा दो। अगर बेफजूल की चीज़ें कहती है ना पीछा नहीं छोड़ रही, इतनी ज़्यादा दुर्गति आ गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है, इस प्रतिमा की जिसको बोलते हैं भस्म लगाकर उनकी अगर कहती है ना प्राण प्रतिष्ठा कैसे करोगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग
गन नहीं है, गंग ग के ऊपर बिंदु अच्छे से प्रनाउंस करो। ओ उनका उनको देख देख के ओम गंग गणपते नमा, ओम गंग गणपते नमा, ओम गण। फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ध्यान अवस्था में जाकर उनको, मतलब कहते ना उनको अपने मन में उतारो। हर चीज़ हम करते हैं, हम कितना भटकते हैं पंचमेवा अपने ज़रूर उनको चढ़ाना। चावल के अंदर जो सिंदूर होता है ना, इसका जो टाइम है 11:31 को 11:24 से लेकर 1:54 के बीच बीच में आपने उनको बिठाना है, आपने ये पूजा करनी है। घी का दीपक ज़रूर जलाना है, वो जो चावल में सिंदूर कह रही हूँ वो फिर उस टाइम पे उनको चढ़ाना है। आप चढ़े उनको चढ़ा दिया, सीधी बात है। मैं तो कहती वो जो दूर्वा की माला अगर आप बना सको, अपने हाथ से पिरो सको, वो भी उनको पहना देना, जनेहू उनको पहना देना, और बस आरती करो, भोग लगाओ। मोदक का भोग लगाना है आपने। मैं एक आपको बात बताऊं, उस दिन अगर आपको याद है मैंने 108 सुपारियों वाली आपको एक चीज़ बताई थी, कहते हैं ना हवन करते हुए होए, कसम से लोगों को ना जब उन्होंने वो हवन किया है, कहते हैं ना गणपति जी की आकृति की फ़ोटो भेजी है, वो ना सिम्टम देते हैं, वो इशारा देते हैं। और सच मान के चल लूँ, ये बोलने वाली बात नहीं बोली, बताने को तो मैं बहुत चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस मुझे बताओ, आप अपनी चीज़ें मुझे बताओ। और वो इशारा दे जाते हैं कि मैं हूँ इधर। आपने क्या करना है, आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला देनी। आपने सिंपल बात है, अब आप क्या करोगे, 108 सुपारियां ले लो। कहते हैं ना अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और टाइम बहुत कम है कि अब क्या करें, 108 सुपारियों का हवन कर लो। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। सुपारियों से सुपारियां थोड़ी महंगी आती है ना, तो जिनके पास वो चीज़ नहीं है, है ना, मतलब अभी ठीक है नहीं है, कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक एक बूंद घी के अंदर काले तिल डालकर, ऊपर वाला तो मेरा भाव देखेगा ना, सीधी बात, हम होते कौन है। वही तो बोलते हो, ये जो 2.5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख की पूजाएं करा रहे हो, ये हवन में कौन सी ऐसे तोला सोना डाल रहे हैं, कितना भैया। वो जो परमात्मा है वो तो मेरा भाव देखेगी। आपको हमेशा उस दिन भी समझाया है, जब हम उस अल्फा स्टेट में होंगे, मस्त मगन होंगे, एकदम मस्त मगन, सब कुछ भूल कर वो देखेगी। वो ये थोड़ा देखेगी, अच्छा 1 किलो मिठाई चढ़ाई, 2.5 किलो मिठाई चढ़ाई, 5 किलो चढ़ाई। अगर है तो वो जो ऊपर वाले की देन है, जो उन्होंने कहते हैं ना बनाए हैं, उनका उनके लिए करो, जितनी अपनी पॉकेट है उससे बढ़कर। अगर किसी के पास 1 करोड़ है, उसने 500 रुपये की चीज़ कर भी दी, तो ये क्या है। कहती है ना अरिका मैम, हमेशा एक चीज़ बोलती है, दान वो होना चाहिए, दान भी क्या दान, मतलब, लेकिन कहती है ना आप उतना करो जो आपकी पॉकेट को पता चलना चाहिए, अदरवाइज़ फिर क्या फ़ायदा, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं, सिंपल बात है। तो ये जो अगर वो नहीं है, कोई बात नहीं, घी से करो, कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं कहती जिनको वैवाहिक समस्या है, कहीं ना कहीं बड़े जा रही है, शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत, कहते हैं ना पहला छठा दसवां घर होता ही ऐसे है, वो कहते ना चलो एक मैरिज किसी की ब्रेक हो जाती है, कहीं ना कहीं दूसरी शुरुआत तो करनी करनी है, लेकिन दूसरी शुरुआत अगर ग्रह ही साथ नहीं, तो ऊपर वाले का दामन तो पकड़ना पड़ेगा भैया, क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं। तो आपने क्या करना है, 108 मोदक ले लेनी है, 5 मोदक की आहुति देनी है, बस उनको कहती है ना बोल कर कि मैं इस चीज़ के लिए करने जा रही हूँ, बस अपनी ब्लेसिंग दो, ओम गंग गणपते नमः, 1 मोदक डाला हवन कुंड में अग्नि में, ओम गंग गणपते नमः, दूसरा ओम गंग गणपते नमः, तीसरा ओम गंग गणपते नमः, चौथा, और बाकी मोदक जो होंगे वो क्या कहती हैं 8 साल से छोटे बच्चों को अगर बांट सकते हो, लड़का लड़की कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, बच्चे बच्चे हैं उनको बांट दो।
ये अगर एवरी वेडनेसडे या चतुर्थी चतुर्थी वेडनेसडे करते हो बहुत बढ़िया है। और क्या कहती हैं आरिका मैम ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं, पांच नाम बोलकर कैसे बेड़ा पार होएगा वो ज़रूर आपने देखनी है। मैं अभी पिन कर रही हूँ, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, और भी चीज़ें बतानी है लेकिन एक वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताऊँ कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।